नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मौसम में आपको मौसम स्कूल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे दम आलू। आज हम दम आलू बिना प्याज और लहसुन के बनाएंगे। इसके लिए हमने बेबी पोटैटोस लिया है, बॉईल करके रखा है। 15 हमने बेबी पोटैटोस लिया है। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर का प्यूरी करके ले लिया है। घी का इस्तेमाल करेंगे। सरसों का तेल लिया है हमने। 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1 सूखा मिर्च और 2 तेज पत्ता लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा चम्मच हमने चीनी लिया है। हींग लिया है हमने। थोड़ा सा हमने होल गरम मसाला लिया है। हमने 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। हल्दी पाउडर हमने 1 चम्मच लिया है। 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने अदरक की पेस्ट लिया है। 2 बड़ा चम्मच हमने मगज की दाना का पेस्ट कर लिया। सबसे पहले हम आलू फ्राई करेंगे, इसलिए आलू में हम थोड़ा सा नमक और हल्दी से मैरिनेट कर लेंगे। हम आलू को फ्राई करेंगे, इसलिए तेल हमने गरम कर लिया है। इसमें आलू ले लिए। गैस की फ्लेम को हाई करके ही हम आलू को लाल लाल करके फ्राई कर लेंगे। आलू हमारा फ्राई हो गया है। आलू को हम प्लेट में निकाल लेते हैं तेल से, और इसी तरह से हम बाकी का आलू भी फ्राई कर लेंगे। सारे आलू हमारा फ्राई हो गया है। अभी हम दम आलू बनाएंगे। तेल हमारा गर्म ही है, उसमें हम सूखा मिर्च देंगे, गरम मसाला देंगे, तेज पत्ता देंगे। अभी इसमें अदरक की पेस्ट देंगे। अदरक की पेस्ट हमारा भून गया है। अभी हम इसमें टमाटर की जो प्यूरी है वो देंगे। टमाटर की रॉ स्मेल चला जाए तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। इसमें हींग ऐड कर देंगे। टमाटर हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अभी पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, चीनी देंगे, लाल मिर्च की पाउडर देंगे, जीरा पाउडर देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। मसाले को अभी अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले से अच्छी तरह से तेल बाहर आ गया है। अभी हम इसमें जो मगज की दाने का पेस्ट करके रखा है वो इसमें दे देंगे। मसाले के साथ अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे। हमारा भून गया है। अभी जो फ्राई किया हुआ आलू है वो इसमें दे देंगे। मसाले के साथ आलू को हम 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसमें पानी ऐड करें। अभी ग्रेवी में उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को हम लो करके इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए हमारा बन गया है। अब देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी थिक हो गया है पहले से। आप चाहे तो और ज़्यादा थिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखूँगी। अभी हम इसमें गरम मसाला दे देंगे। 1/2 चम्मच घी इसमें दे देंगे। अच्छी तरह से हमने गरम मसाला और घी को मिला दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने इसको सर्व कर दिया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके अनुभव आप मोशन को इस दिन में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारे आज की दम आलू की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।